आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। गली मोहल्लों में दुकान है उनके लिए ऑडी वन है, ठेके वालों के लिए कोई ऑडी वन नहीं है। यहाँ पर आकर कोई भी किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता। जो माता जाने जाते सब परेशान है 3 महीने से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोटवाल। दिल्ली में कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने येलो अलर्ट तो जारी कर दिया था, जिसके तहत जो दुकानें हैं 10 बजे से पहले बंद कर दी जाएगी। जी हां, पर पुलिस वाले 8 बजे से पहले सभी दुकानें बंद करवा देते हैं। पर दिल्ली सरकार का एक ऐसा ठेका है जहाँ पुलिस वालों की चलती नहीं है, ये कहे कि पुलिस वाले चलाते नहीं है। मैं आपको दिखा दूँ कि इस वक्त मैं रहगढ़पुरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक ठेका अभी भी खुला हुआ है और यहाँ की जनता है उन सभी का ये कहना है कि जो यहाँ की दुकानें है वो तो 8 बजे से पहले बंद कर दी जाती है, पर जो एक ठेका है वो बंद नहीं किया जाता है। और साथ ही साथ जो समस्या निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि जो एक ठेका है उसकी वजह से जो रिहायशी इलाकों में ये खुला है, जिसकी वजह से जो जितने भी लोग हैं आगे जाके इनके घरों के सामने दारू पीते हैं और वहीं पर शोर शराबा करते हैं। कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। मेरा जी, आपने बताया कि ठेका खुला, जो टाइमिंग है 8 बजे बंद कर दी जाती है, पर जो दुकान है 8 बजे से पहले बंद कर दी जाती है, पर ठेका 8 बजे बंद नहीं होता। दूसरी बात यह है कि ठेके से शराब खरीद के आपके घरों के सामने ही तमाशा होता है। जी मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे जो दिल्ली सरकार है उन्होंने कोरोना को लेकर दिल्ली में जो है येलो अलर्ट जारी किया, उसके बाद उन्होंने कर्फ्यू वीकेंड स्टार्ट कर दिया है इसलिए ताकि केसेस ना बढ़े। लेकिन यहाँ पर ये जो ठेका हमारे पड़ोस में खोला गया है, इसमें क्या है, ये टाइमिंग तो 8 बजे का है लेकिन ये 8 बजे शटर डाउन करके पब्लिक को अंदर ही रखते हैं और बारी बारी से खोलकर उसको बाहर निकालते रहते हैं। अच्छा। दारू मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को अच्छे से। यहाँ पर किसी भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा रहा। इनकी जो लाइनें होती हैं, हमारा उस तरफ भी रेजिडेंस है, मेरा घर यहाँ पर है पास ही में, मेरे घर तक लाइनें पहुँच जाती हैं। अच्छा। हम पुलिस को फ़ोन करते हैं कि आके देखो यहाँ पर कितना गंदा माहौल हो गया है, पुलिस वाले आते भी हैं, एक या दो पुलिस वाला आता है, यहाँ पर आकर कोई भी किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता। ऑडिवन का हिसाब चल रहा है क्योंकि मार्केट में ऑडिवन का हिसाब चल रहा है? नहीं मैडम, यहाँ पर ऑडिवन का नहीं चल रहा कोई हिसाब। हमने SHO को भी ये बात बोली थी, SHO आए थे तो हमने उन्हें कहा था कि यहाँ पर ऑडिवन भी फॉलो नहीं हो रहा, जबकि पूरी दिल्ली में चाहे वो ठेके हैं चाहे कोई जनरल शॉप है कुछ भी है, सबके लिए ऑडिवन फॉलो है। तो उनका कहना था कि यहाँ पर ऑडिवन फॉलो नहीं होगा क्योंकि दारू के ठेके के लिए कुछ नहीं बोला गया, ये एक इसेंशियल चीज़ है। SHO की वर्डिंग थी कि दारू तो मैडम इसेंशियल कमोडिटी में आती है, तो मैंने कहा सर अगर इतना ही जरूरी है तो दारू सबको अपने घरों में रख लेनी चाहिए, फिर तो ठेके खोलने की आवश्यकता ही नहीं है। हम आटा दाल चीनी भी तो अपने घरों में रखते हैं, अगर ये इसेंशियल कमोडिटी है तो आप इसे घर में रखवा लो। तो उनका कहना था कि मैं चेक करूंगा, अगर ये इसेंशियल नहीं हुआ तो मे भी मैं एक्शन लूंगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अदरवाइज नहीं लेंगे। मैडम आपने बताया कि जिस तरह से आपने लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं रायगढ़पुर, आप सभी रहते हैं यहाँ पर ठेके नहीं बंद हुए, पर ठेके खुले उसके बाद जो तमाशा होता है, बता दो कि शराब लेकर तमाशा आपके घर के बाहर करते हैं। और मेरी सिस्टर का तो अभी बेटा चोरी हो गया था अभी 31st को। अच्छा, यहाँ पर पुलिस कंप्लेंट वगैरह कोई एक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं किया था, रात के 10 बज गए थे वहाँ को करते करते। अच्छा अच्छा, कुछ भी नहीं एक्शन हो रहे इसके अंदर। तो एक वीडियो वायरल हो रही थी आप सबकी तरफ से, जहाँ पर एक महिला के घर के सामने ये तमाशा, वो हमारा ही घर है, वो लेफ्ट साइड पे हमारा घर है, मेरी सिस्टर है, उसकी छोटा बेबी है, 2 साल कंप्लीट है बस। अच्छा, वो बोलता भी नहीं है, ठेके के साथ में ही हमारा घर। ये रेड नहीं करी कि कितने क्राइम बढ़े, कोई एक्शन नहीं होता, कोई कुछ नहीं हुआ था, ये रहा मेरा छोटा बेटा। अच्छा, इसके लिए मैं क्या करूँ, इसके ज्यादा बंद कर रहा, कोई फैमिली यहाँ पर रहती है, लेफ्ट भी रहती है राइट भी रहती है, कोई वो थोड़ी नहीं है, सुनने के लिए तैयार, कोई सुनने के लिए नहीं है, कोई कुछ भी हुआ नहीं है। मैं बात करें महिला सुरक्षा की तो केजरीवाल साहब हमेशा महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बट यहाँ पर महिला सुरक्षा किस तरह से? कोई महिला सुरक्षा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइन अभी अभी थोड़ी देर पहले आधे घंटे तक हमारे दुकान तक पहुँची हुई थी, यही थोड़ी दूरी है, इधर भी होता है इधर होता है, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई फॉलो कुछ नहीं करते।
इतने ज्यादा रश होता है, अभी आप इस वक्त देखो कितना रश हुआ है। वार्ड इवन की तो बात छोड़िए, यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ दिखावे के लिए सैनिटाइज की बॉटल लेके खड़े हुए, लेकिन किसी को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। तो कितनी परेशानी आ रही, क्योंकि बताते हैं कि ठेके पे जो लाइन है 8 बजे के बाद, बताते हैं कि दुकानें जितनी भी दुकानें उससे पहले पुलिस वाले बंद करवा देते, पर ठेका ऐसा है जो आप बता रहे हो कि अंदर से सप्लाई चलती है, अंदर से सप्लाई चलती रहती है। हाँ वो तो है, क्योंकि ये हमने पहले भी रिकॉर्डिंग की हुई है, काफ़ी सारे लोग एक साथ 60-70 लोग एक साथ निकले थे, इन्होंने शटर ऊपर किया था, काफ़ी सारे लोग निकले थे 8 बजे के बाद की बात है वो। सर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए ठेके तो खोल दिए गए हैं, ऑड इवन का भी यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है, और लंबी लंबी लाइनें बनती है जो आपके घर के सामने तक जाती है। सिर्फ ऑड इवन छोटे दुकानदारों के लिए है, जो गली मोहल्लों में दुकान है उनके लिए ऑड इवन है, ठेके वालों के लिए कोई ऑड इवन नहीं है। केजरीवाल की योजना है घर घर ठेका पहुँचाने की योजना, शर्म कर लो केजरीवाल साहब, कुछ तो गली मोहल्लों का कुछ तो शर्म कर लीजिए आप। ये देखो बिना मास्क के लोग अंदर है, इतनी भीड़ है, सिर्फ अभी इतनी भीड़ किसी नॉर्मल दुकानदार पे होगी फटाफट चलान कट जाएगा, यहाँ का क्यों नहीं कट रहा चलान, चढ़ावा चढ़ावा बहुत मोटा, इसलिए चढ़ावा चढ़ावा है बहुत मोटा चढ़ावा, कोई चलान नहीं कुछ नहीं। महिला सुरक्षा की तो बताया कि घर के सामने ही तमाशा करते हैं पीकर, आपको भी अभी मैंने आपको रिसेंटली दिखाई थी एक चीज़, उसमें देखा था आपने घरों के पास से लोग दारू ले लेके जा रहे थे, कोई शर्म होती है कुछ भी नहीं, लोगों को पता ही नहीं हमने कहाँ ठेका खोल लिया कहाँ नहीं, कुछ भी शर्म तो होनी चाहिए लोगों को थोड़ी बहुत तो, कि कहाँ ठेका खोल रहे हैं कहाँ नहीं। सिर्फ केजरीवाल की जी की कह दिया एक वार्ड में 3 ठेके खोलने हैं और मुझे खोलने ही है, कोई शर्म होनी चाहिए केजरीवाल साहब, आपने 25 की उम्र थी 21 की कर दी, दिल्ली को शराबी बनाना है क्या। सर बात करें एक्साइज पॉलिसी की, जब आई थी तो बताया था कि बहनों से पूछेंगे महिलाओं से पूछेंगे कि ये ठेके आपके वहाँ खुले या नहीं, महिलाओं ने आपके यहाँ की महिलाओं ने तो काफ़ी प्रदर्शन किया पर कुछ असर नहीं पड़ा, पर अब जो तमाशा देखने को मिल रहा है आपकी कॉलोनी में, ये देखने को मिल रहा है कि शराब पी के आपके घर के सामने तमाशा करते हैं, तो बच्चों पे घर की बेटियों पे कितना असर पड़ रहा है। बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बच्चे डर जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाते, और महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी, आसपास के मोहल्ले में कोई भी सुरक्षित नहीं है, बच्चे डरते हैं, पढ़ाई में वैसे मन नहीं लगता, और यहाँ भीड़ भाड़ इतनी होती है, रिक्शे गाड़ियाँ ट्रैफिक इतना जाम होता है, यहाँ कभी काफ़ी समस्या, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या, लंबी लाइनें लग जाती है बाहर तक लाइनें, मैडम बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक की, या हॉर्न बजते रहते हैं, अब देखिए आप हॉर्न रेगुलर बज रहे हैं, ट्रैफिक जाम रहता है, रिक्शे वाले आ जाते हैं, इवन सड़क पर खड़े होकर शराब पीते हैं, घरों के आगे शराब पीते हैं, हमें बिल्कुल हम शरीफ लोग हम किसी से लड़ेंगे, रोज़ रोज हम किसी से बोल भी नहीं सकते, कितना लड़ेंगे, कितना उनको आगे आगे जाने के लिए बोलेंगे, ये तो रोज़ का काम हो गया मैडम। मैम अभी आपने बताया 30 तारीख की बात है जब आपके एक छोटे से बच्चे को यहाँ से उठा लिया गया था, कौन लोग थे कुछ पता चला ऐसे ही है? मैम यहाँ से शॉप से दारू ली किसी ने, हम लोग अपने घर में बैठे हुए थे, ये बच्चा बाहर खेल रहा था, इसका जैसे ही हाथ पकड़ के ले जाने लगे ये बच्चा रो पड़ा एकदम से, हमने सोचा गिर गया, हम जैसे ही भागे ना वैसे वो आदमी इसको छोड़ के तुरंत भाग लिया, हमने फिर कंप्लेन भी की लेकिन उस पर कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है, तो हम लोग ये रिक्वेस्ट लेकर जा रहे थे, आपने उसको देखा था? नहीं हमने बैक से देखा था, एक आदमी सा था लंबा सा था। अच्छा दारू उसने, हाँ जी हाँ जी, आपकी बोतलें पकड़ रखी थी? हाँ जी। सिर्फ उनका पुलिस वालों का एक बहाना है कि स्टैचू बना के दो, स्टैचू बना के दो, स्टैचू बैक साइड में कैसे बना के देंगे हम लोग उनका, अगर देख लेते हैं या उसको कोई आदमी तो पकड़ के उसकी एफआईआर कराने के लिए हमने काफी प्रेशर करा, मगर हमारी एफआईआर नहीं हुई, हमारा बच्चा चला जाता तो केजरीवाल क्या करता, उसके दो बच्चे हैं उसका बोले साले रोड के आप पर आ जाओ और उनको पता लगे कि कैसे बच्चों को किडनैप करा जाता है, इतने इसलिए हम परेशान हैं कि यहाँ से ठेका शिफ्ट होना चाहिए बस, और हमें कोई उससे मतलब नहीं है, ना हमारे को खाना चाहिए, ना बिजली का बिल माफ़ चाहिए, ना पानी का चाहिए, ना बस का किराया माफ़ चाहिए है, और विशेष रवि यहाँ पर एक बार भी आके नहीं देखा कि हमारे बस्ती में मोहल्ले के जहाँ पे हमने उसको जिताया है, और वो यहाँ पे एक बार भी आके उसने नहीं देखा कि हमारे लोग जो है कितने परेशान हो रहे हैं। अभी 7:52 हुए हैं, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी कि फ़ोन में दिखाएंगे कि 7:52 हुए हैं, आज ये ठेका बंद कर दिया गया है, जी हाँ मीडिया को देखते ही ठेका बंद कर दिया गया है, मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये ठेका 8 बजे के बाद भी चलता रहता है, अंदर लोग जाते हैं और सप्लाई लेकर अपना बाहर निकल जाते हैं, फिर दूसरे लोगों को अंदर कर, अब मैं आपको दिखा दूं कि अभी भी जो पब्लिक अंदर है बीट ऑफिसर यहाँ के आ चुके हैं, पर जब क्राइम होता है तो बीट ऑफिसर भी काफ़ी देर तक दिखते नहीं है, देखते हैं ठेका तो बंद कर दिया है, लोग कितने परेशान हैं ये भी मैंने आपको दिखा दिया, और लोगों का भी ये कहना है कि जब हम SHO साहब के पास गए थे उनका ये कहना था कि ऑड इवन ठेकों पर लागू नहीं होगा, ऑड इवन है वो ठेकों पर लागू नहीं होगा, छोटी मोटी दुकानें हैं उन पर लागू है, इससे आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार ही अपने रूल तोड़ते हुए यहाँ पर दिख रही है और किस तरह से मनमानी यहाँ पर करती दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली अप टू डेट।